हेलो भाई, जी जी सर, ठीक है? बहुत ठीक है सर, आप कैसे? ये न्यूज साइट नहीं होना है। जी बड़ी जी नहीं, आप बड़ी लड़ाई बड़ी लकीर खींचे हैं आप। जी जी और जिन पाखंडियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, नफरत वालों ने, संप्रदाय वादियों ने जी जो हमारे पुरखों के साथ अन्याय जुलूम किया, जी, तो हमारे सम्मुख महाराज का वध किया, जी, हमारे सही जगदेव बाबू का वध किया जी, और बाकी तो आधा दर्जन से ज्यादा महात्मा फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, ये सबको अपमानित किया। जननायक जी तक को अपमानित किया, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हुए भी। जब ये लोग राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री शूद्र को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो दूसरे की क्या हैसियत है। और इतना सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी को अकारण जेल में जीवन बिताने पर मजबूर किया है जी। आपकी तो सिर्फ नौकरी लिया, डिस्करेज नहीं होना है। आप भारतीय बहुजन समाज के एक प्रभावकारी व्यक्तित्व है और आपके जैसे धुरंधर आदमी को इस सब की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। ये एक स्वाभाविक परिणति है जी। जिस प्रखरता के साथ आप सामाजिक जातीय अंक गणित को उभारते रहे और जिस प्रखरता के साथ आप लोगों की जुबान बनते रहे, जिस प्रखरता के साथ आप संविधान के पक्ष में वकालत करते रहे, और तो षड्यंत्रकारियों को तो ये देर से विलंब से आपको हटाया विलंब से हटाया है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। सूर्य रात दिन नहीं जलती ना जी, तो दुनिया को प्रकाश नहीं मिलता जी। तो एक छोटी सी दीपक न जले तो रोशनी हो ना जी। तो सूर्य की प्रकाश और दीपक की लो बनने वाले लोग तो जलेंगे जी। हाँ, आपके साथ है समाज खड़ा जी। जी सर, हाँ, हर लोग खड़ा है, इससे लोग आहत है जी। तो हमको लगता है कि आपको छोटी सी नौकरी खत्म करके कोई अगर अपने जांघ पर ताली पीट रहा हो जी, तो वो मुगालते में है जी। हाँ, आपके त्याग से, आपके ऊपर किए गए अन्याय और जुलूम से एक रोशन निकलेगी और हमको लगता है कि जरूर 2024 तक में यह रिजल्ट देगा। बहुत धन्यवाद, आप सबका स्नेह ऐसा लिखी थे, हिम्मत मिलती है। हाँ, और आप कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई भी मामले में अपने आप को कमजोर मत समझिएगा जी। हाँ, और हमको लगता है छोटी सी नौकरी गई है तो बड़ा सा मकाम आपको समाज देगा जी। बहुत धन्यवाद, इसका भरोसा और यकीन है। हाँ, अच्छा, दुल्हीन को ना कहिएगा, दुल्हीन ज्यादा परेशान होगी। परेशान तो है, ये है कि अब थोड़ा साथ नहीं, वो संबल बनेगी ना कस्तूरबा के तरह जी, जी। वो संबल बनेगी, इसलिए हमको पक्का विश्वास है आपकी दुल्हीन है, आपने चयन किया है तो कुछ बेहतर ही होगी बेचारी। हाँ, सदमा लगा होगा, लेकिन आपके अभी तो आपकी जो उम्र है उसमें एक दूसरे के पर्याय हैं। आप दुल्हीन के लाठी बनेंगे और दुल्हीन आपकी लाठी बनेगी जी। तो ये जो है, इसलिए दुल्हीन को भी मेरी तरफ से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद जी, जी, और विचलित नहीं होना है। हाँ, समाज विचलित है, समाज के अंदर एक इंतकाम की लौ जल रही है जी। ठीक है, आशीर्वाद। अच्छा, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। मैं 22-23 में पटना आ रहा हूँ, तो एक बार फोन करूंगा सर। अच्छा ठीक है, मैं 22 को तो रहूंगा, 23 को भी रहूंगा। अच्छा, मगर 21 को नहीं रहेंगे, वो गांव में कार्यक्रम अम्बेडकर साहब के नाम पर मधेपुरा में करवा रहे। अच्छा सर। अच्छा जी जी, ठीक है, तो मैं फोन करूंगा सर। वो कार्यक्रम में गिनती के 10,000 लोग रहेंगे। अच्छा, हो सकता है लोग बाहर में कहे 20-25 हजार,
ना उस तो उसमें अब अम्बेडकर साहब जिंदा करेगा समाज, कोई कोई दूसरा आदमी जिंदा कर पाएगा क्या? बहुत चले आशीर्वाद, आपका फोन करूंगा सर, ठीक प्रणाम।